फेस के लिए तो हम बहुत से ट्रीटमेंट्स लेकर आते ही रहते हैं अपने चैनल पे। ये वाला स्क्रब लगा सकते हो, ये पैक लगा सकते हो, ये फेशियल करा सकते हो और उन वीडियोस पे आप बहुत ज्यादा प्यार देते हो, उसके लिए हाथ जोड़कर शुक्रिया। आपको मेरे चैनल के अलावा भी इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, वहां पे बहुत सी वीडियोस मिलती रहेंगी जो स्किन को कैसे ब्राइटन अप कर सकते हैं, लाइटन अप कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी। बट आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट ब्राइटनिंग के बारे में। अब ये आपको पहले समझना पड़ेगा, जो प्राइवेट पार्ट है ना, उसका फेस से डार्क होना 100% नेचुरल है और उसको आप बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने दो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तू तो बात कर रहा है प्राइवेट पार्ट ब्राइटनिंग के बारे में, ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, हमारा प्राइवेट पार्ट डार्क होता है और उसमें होने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बट वो आपको अफेक्ट करता है और आप उस बारे में बात नहीं करते, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। आपके लिए हो सकता है प्राइवेट पार्ट का डार्क होना बहुत नॉर्मल है, दूसरे को हो सकता है वो अफेक्ट करे। तो अगर वो आपको अफेक्ट नहीं करता तो आपको ये ट्रीटमेंट फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इट्स एज नॉर्मल एज एनीथिंग। बट अगर आपको वो अफेक्ट करता है तो वीडियो के साथ बने रहो और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर लो। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका अंडर आर्म एरिया हो गया, प्राइवेट पार्ट हो गया, इनर थाइज हो गया, उसको लाइटन अप कर सकते हो और ब्राइटन अप कर सकते हो। अब है तो हमारी बॉडी का पार्ट ही ना, तो बात करने में आखिर दिक्कत ही क्या है? लोग पता नहीं बात करने से डरते क्यों हैं। जब एक चीज आपको परेशान कर सकती है तो उसका क्योर ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल ढूंढना चाहिए। तो आपने अगर इस वीडियो को सर्च करा है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, पर एक चीज आप पहले समझ लो, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमारे फेस के मुकाबले भी वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के प्रोडक्ट्स आप फेस पे नहीं यूज कर सकते और सिमिलरली फेस के प्रोडक्ट्स प्राइवेट पार्ट पे यूज नहीं किए जाते, बिकॉज वो एक ऐसा पार्ट होता है जो हाइजीन रिलेटेड होता है। अगर कोई भी गलत चीज आपके प्राइवेट पार्ट पे लग जाए तो वो बहुत हद तक आपको इरिटेट कर सकती है और फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज आप अगर फॉलो करो, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करो। जो रेमेडी मैं भी आपको बताने वाला हूं, चाहे तो एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में आप गूगल पे जाके पढ़ लेना और वो 100% सेफ रहने वाले हैं हमारे प्राइवेट पार्ट के लिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं हाउ टू ब्राइटन अप प्राइवेट पार्ट एंड अंडर आर्म्स इन वन यूज। इससे पहले हम ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े, पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर हमारे प्राइवेट पार्ट्स और अंडर आर्म्स डार्क हो क्यों जाते हैं। रीजन नंबर वन, फ्रिक्शन। जो आपका कपड़ा होता है ना, जब वो रब होता है अंडर आर्म्स पे या प्राइवेट पार्ट पे, तो उस रब होने की वजह से प्राइवेट पार्ट कंपैरेटिवली डार्क होना शुरू हो जाता है। रीजन नंबर टू, एक्सेस स्वेटिंग। बहुत ज्यादा पसीना आना भी बहुत बड़ा रीजन होता है प्राइवेट पार्ट डार्क होने का। रीजन नंबर थ्री, यूज ऑफ हेयर रिमूवल क्रीम्स। हेयर रिमूवल क्रीम्स के अंदर एक केमिकल होता है जो उस वक्त तो हेयर्स को प्रॉपरली हटा देता है बट स्किन को भी कंपैरेटिवली डार्क कर देता है। इसके अलावा एज एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे आप प्यूबर्टी हिट करते हो, मेलानिन पिगमेंट बहुत जल्दी से बढ़ जाता है और डार्क स्पॉट होना शुरू हो जाते हैं आपके प्राइवेट पार्ट पे। इसके अलावा एक रीजन होता है जेनेटिक्स। अब इन सारे रीजंस में कुछ रीजंस तो अवॉइडेबल होते हैं, कुछ रीजंस अवॉइडेबल नहीं होते। खैर, रीजन कुछ भी हो, हम आज आए हैं उसको ट्रीट करने के लिए। हम आपको बताएंगे कैसे आप ब्राइटन अप कर सकते हो अपनी कोई भी बॉडी का सेंसिटिव पार्ट और वो रहने वाला सिर्फ अमेजिंग और सेफ आपकी बॉडी के लिए। अब इतनी बातचीत के बाद सीधा आगे बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी के लिए चार इजी इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। इंग्रेडिएंट नंबर वन, शुगर। अब वो ब्राउन शुगर भी हो सकती है, व्हाइट शुगर भी हो सकती है। शुगर से बढ़िया नेचुरल स्क्रब कोई है ही नहीं। डेड स्किन सेल्स को प्रॉपरली हटा देता है और रिवील करता है क्लियर स्किन। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा सेफ स्क्रब होता है। जो मार्केट वाले कमर्शियल स्क्रब्स होते हैं ना, उसके ग्रैन्यूल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और वो स्किन को डैमेज कर सकते हैं। बट अब जब हम इतने सेंसिटिव पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंग्रेडिएंट हम यूज करें वो 100% सेफ और नेचुरल हो। इसके अलावा शुगर एक इवन स्किन देने का काम करता है, एक क्लियर रेडिएंट स्किन रिवील करता है। ऊपर वाली जो परत हो जाती है ना इकट्ठी, जिसकी वजह से स्किन डार्क लगना शुरू हो जाती है, उसको हटा दे। इंग्रेडिएंट नंबर टू, कर्ड। अब कर्ड को इंटीमेट एरिया पे लगाना फॉर स्किन ब्राइटनिंग एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है जो लोग फॉलो करते हैं और वो बहुत इफेक्टिव भी होता है। स्किन ब्राइटनिंग के लिए देखा गया कर्ड बहुत पोटेंट है। कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड जो डेड स्किन सेल्स को प्रॉपरली हटा देता है और नए सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, मेक श्योर करता है जो क्लियर स्किन आप डिजायर करते हो वो आपको प्रॉपरली मिले। इसके अलावा कर्ड आपकी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करता है और हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका प्राइवेट पार्ट प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं होगा ना, तो इट कैन लीड टू इचिंग एंड इवन द स्किन गेटिंग डार्क। तो ये दोनों चीजें मेक श्योर करेगा, हाइड्रेटेड भी रखेगा और स्किन को डार्क होने से भी रोकेगा। इंग्रेडिएंट नंबर थ्री, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ना एक बहुत ही वर्सेटाइल ब्यूटी इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर प्रेजेंस होते हैं बहुत से विटामिंस
एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स जो आपकी स्किन को सुपर मॉइस्चर देने का काम करता है, मेक श्योर करता है इंस्टेंटली लगाते ही एकदम इल्यूमिनेटेड लुक आपको मिले। इसके अलावा इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देता, तो अगर आप एक्ने वगैरह से परेशान हो ना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलिव ऑयल भी मेन डालने का रीज़न है कि जो हमारी आज की रेमेडी है वो ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो। हाइड्रेशन इज़ द की टू ग्लो, ये मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ। अगर आप स्किन पे ग्लो अचीव करना चाहते हो ना, हाइड्रेशन पे ज़्यादा जोर दो। जब स्किन प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहेगी ना, वो क्लियर और ग्लोइंग स्किन ऑटोमेटिकली रिवील होगी। इंग्रेडिएंट नंबर 4, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में होती है सूदिंग प्रॉपर्टीज जो आपकी स्किन को बिल्कुल ही रिलैक्स और काम डाउन कर देती है। इसके अलावा वो होती है बिल्कुल ही नॉन ग्रीसी, और हमें उसका ध्यान रखना है। कोई भी ग्रीसी चीज़ ना इरिटेट कर सकती है, वो मेक श्योर कर दे कोई भी अगर स्कार हो गया उसको प्रॉपरली रिमूव करे। इसके अलावा एलोवेरा जेल भी एक नेचुरल एक्सफोलिएटर होती है जो डेड स्किन सेल्स को प्रॉपरली हटा देती है, मेक श्योर करती है नए सेल्स की रिन्यूअल में आपको हेल्प करे। एलोवेरा जेल बहुत अमेजिंग टेक्सचर ऐड करेगी हमारी आज की रेमेडी में, और मेक श्योर करेगी हमारी रेमेडी बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो और उसका जो इफेक्ट है, उसका जो रिजल्ट है, और ज़्यादा एनहेंस हो जाए और आपको मिले क्लियर और रेडिएंट स्किन। बस इन 4 इजी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर आप आज की पावरफुल रेमेडी रेडी कर सकते हो। एक एक इंग्रेडिएंट कितना पावरफुल है और कितना सेफ है हमारी स्किन के लिए मैंने आपको बताया, तो जब ये चारों मिलेंगे तो क्या नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट आने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले तो ले लो एक ग्लास बोल, उसमें आपने डालना है 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अच्छे से इनको मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लो और आपकी पावरफुल रेमेडी तैयार हो चुकी है। यूजेज की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहूंगा, बिकॉज आज की रेमेडी होने वाली है बहुत सेंसिटिव पार्ट पे। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट। जब इतने सेंसिटिव एरिया पे आज का ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है तो उससे पहले आप अपनी बॉडी के कोई भी पार्ट पे इसको लगाकर देख लो। 99% केसेस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट अगर आपको ये इरिटेट करता है तो आपने इस रेमेडी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, लगाते हुए, मसाज करते हुए या हटाते हुए आपको रहना है बहुत ज़्यादा जेंटल, बिकॉज जेंटल पार्ट पे रेमेडी फॉलो हो रही है। इंस्ट्रक्शन नंबर 3, आपने मॉइस्चराइज जरूर करना है आफ्टर द रेमेडी, बिकॉज हाइड्रेशन इज अ बिग रीजन फॉर डार्क स्किन। तो आप अगर हाइड्रेटेड रखोगे ना, वो डार्क स्किन की दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं यूजेज की तरफ। जो ये आपकी पावरफुल रेमेडी रेडी हुई है, आपने इसको अच्छे से अपने इंटीमेट एरिया पे अप्लाई कर लेना है। 10 मिनट के लिए इसको लीव ऑन करना है, फिर आपने अपने हाथों को वेट करना है और अच्छे से मसाज कर इसको 5-10 मिनट मसाज करते रहो, देन आप इसको प्रॉपरली वॉश ऑफ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत ही जेंटल रहना है। एक चीज जो और आपने ध्यान रखनी है, जब आप ये रेमेडी फॉलो करो उससे पहले आप कोई भी इंटीमेट वॉश से अच्छे से प्रॉपर एरिया को क्लीन कर लो, ताकि क्लीन एरिया पे ही बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा पावरफुल है और 100% सेफ है। आपको विजिबल रिजल्ट दिखने वाले हैं पहले यूज में। तो आज ही ट्राई करो हमारी आज की पावरफुल रेमेडी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, नीचे जाके कमेंट कर सकते हो। मैं मोर देन हैप्पी होऊंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कि कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, ताकि एक बढ़िया चीज जब आपने देखी आपके फ्रेंड्स भी उसको इंजॉय कर पाएं और उसका लुत्फ उठा पाएं। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा। गुड बाय।